बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम तो शुरू करते दे बक्चोधी लेके एरिक का नाम अब एरिक है? कुछ, नहीं हो कुछ नहीं हो पाएगा <laughs> मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा हे गाइस दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड और आई प्रिपेयर माय रिव्यूज एंड प्रिव्यूज अबाउट माई क्लब Now, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your favorite club or regarding your favorite player or anything that is going around in the footballing world, then you should definitely have one football app in your mobile. The link is given in description. So download it and enjoy every latest detail regarding the top clubs and regarding the top players that has been happening around the footballing world. But, yeah, हर दिन एक नई कहानी हर दिन एक नया किस्सा हर दिन एक नया नाम और एक नया किरदार जुड़ता जा रहा है यूनाइटेड के साथ यूनाइटेड के यू you नो know, अगर मैं उस बैकग्राउंड uh, बैकग्राउंड बैक स्टाफ की बात करूं कि टनहैक के साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा साथ ही साथ प्लेयर्स की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है और एरे गहरे नत्थु गहरे जिसका नाम समझ में आ रहा है मीडिया उसका नाम जोड़ती जा रही है यूनाइटेड के साथ रिचालिसन डारविन न्यूनेस हैरी केन एन कंकू ठीक है ना तो यहां पर एक लहर सी दौड़ पड़ी है जैसे ही मीडिया में के भाई नया मैनेजर आ रहा है नए प्लेयर्स आएंगे तो कौन से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपना क्लब छोड़ के जा सकते हैं और सुनो यही नहीं भाई साहब स्टीवन बर्गवाइन स्टीवन बर्गवाइन के साथ नाम जोड़ा जा रहा है कि भाई टेनहैग हैग लाइक्स दैट गाए टनहैग लव्स दैट गाय उनका वो प्राइमरी टारगेट है वो उसको लेके आना चाह रहे हैं अब हैरी केन के बारे में ये न्यूज़ आई है कि केन नहीं आना चाहते यूनाइटेड में और वो स्पर्स के साथ रहकर वर्क करना चाहते हैं तो केन भाई साहब ऐसा है कि तुम्हारी गाड़ तो लत पड़ी गई है मैन सिटी तुम्हें ले नहीं रही ठीक है ना तुम्हें इतना समझ में आ गया अब हम हैं वेस्ट।, वेस्ट भाई वेस्ट।, वेस्ट पिछले सीजन कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी गवा दी कोई एम्बिशन ही नहीं है देखो बाबा बाबा तक ने बोल दिया भाई कोई एम्बिशन नहीं है और हैरी केन एक ऐसा प्लेयर है ना जो डिजर्व करता है ट्रॉफीज जीतना और अगर वो किसी ऐसे क्लब में जाएगा ना देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम अगले सीजन कुछ जीत जाएंगे या फिर हम अगले सीजन जाकर भाई कहर ढा देंगे बट एक 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 ना एक प्लेयर के लाइफ में एक फेज आता है जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या उसके लिए अपने करंट क्लब में एक लेजेंडरी स्टेटस इंपॉर्टेंट है या फिर करियर के एंड में उसके ट्रॉफी कैबिनेट में कितने मेडल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और अगर ये करियर जो जो एक परसेप्शन है ना लोगों के बीच में कि प्लेयर अगर क्लब छोड़ के जाएगा तो उसका स्टेटस डाउन हो जाएगा अगर एशली कोल एशली कोल अगर में बना रहता तो हो सकता है एसले कोल ने कभी इतने प्रीमियर लीग टाइटल ना जीते होते उसने चैंपियंस लीग ना जीती होती और आज वो जितना बड़ा नाम बन के उभरा है यू नो इंग्लिश फुटबॉल में और चेल्सी के यू नो हिस्ट्री में एशली कोल वॉज पार्ट ऑफ दैट इनविंसिबल टीम बट एशली कोल को मेजर यू नो पोर्शन किसके से जाना जाता है बिकॉज ऑफ एस पैल एट चेलसी ठीक है ना तो एग्जैक्टली exactly. अब अगर हैरी केन मैं कह रहा हूं शेरर का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं शेरर और वेन रूनी में लोग ज्यादा नाम मतलब किसका लेते हैं आई थिंक इट्स वेन रूनी फ्रेंक लैम्पार्ड ठीक है ना शीर के पास क्या दिखाने को है एक पीएल टाइटल ब्लैक वन रोवर्स के साथ केन के पास क्या रहेगा सीज मतलब अपने करियर के एंड में कुछ भी नहीं यूनाइटेड के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और देखो अगर केन अवेलेबल है ठीक है ना और अगर हम डेक्लेन राइस के लिए नहीं जा रहे हैं तो आई थिंक दिस विल बी द राइट मूव जो कि हम पाउंस कर सकते हैं इस ऑपर्चुनिटी पे बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू पे नाइन्टी ऑड मिलियंस फॉर हैरी केन बिकॉज दैट विल दैट विल यू नो क्रिएट मैसिव मैसिव

मतलब मैं ये नहीं कहूंगी भाई मैंने मैचेस देखे हैं देखो आई हैव टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग अ प्लेयर तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं झूठ बोल दूं मैंने जितनी भी उसकी क्लिप्स देखी हैं हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट इज ब्रिलियंट यू नो एवरीथिंग इज गुड बट विदाउट गोल्स यूनिस वोंट बी हेल्पिंग यूनाइटेड ही इज नॉट अ फर्मिनो लाइक कैरेक्टर इज नॉट अ वर्नर लाइक कैरेक्टर यू नो यू कैन नॉट से बैंजिमा लाइक कैरेक्टर ही इज मोर लाइक अ प्योर गोल स्कोरर आप उसको सन केन की कैटेगरी के में भी नहीं रख सकते ठीक है ना सन, ब्राजीलियन प्लेयर यू नो डीट एवरेज प्लेयर एट एवर्टन ही हैज बीन गुड बिकॉज वो क्लब ही उसी उसी लेवल का है यूनाइटेड अगर सत्तर से यू नो पचपन से सत्तर के मिलियन के बीच में अगर देने को तैयार है रिचालियन के लिए तो मेरे हिसाब से इस क्लब की मती मारी गई है इस क्लब को चलाने वाले बंदे भांग खा के काम करते हैं इस क्लब में जो कि करते वो सबको पता है ठीक है ना बट यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं यार जिनके लिए आप जा सकते हो एनकुंकू इज इज द गाय जिसके लिए आपको जाना चाहिए कैन प्ले इन मल्टीपल पोजिशन राइट विंग सेकेंड स्ट्राइकर नंबर टेन एज एज यू नो सेंटर फॉरवर्ड एज वेल तो ये प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में आपके पास ऑप्शन हैं रूबन नेवेस का ऑप्शन है आप शुमानी के लिए जा सकते हो ठीक है ना आपके पास गार्नर आपका लोन से वापस आ रहा है आपका आपके पास कमारा है हायदारा है

रॉबिन पर्सी अगर तैयार भी हो जाते तो उनको वर्क परमिट लेने में थोड़ी मुश्किल होगी यू नो ओल्ड ट्रेफर्ड पर अगर वो काम करना चाहते हैं रहकर केरन मकेना जो कि हमारे एक्स असिस्टेंट थे बेसिकली कोच थे हमारे सोलशहर के अंडर उनका भी ये स्टेटमेंट आया कि टनहैग्स एडिशन टू यूनाइटेड्स बैक रूम विल बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट यू नो थिंग और अगर उसको काम करने का मौका दिया जाएगा और रियो फर्नांड ने भी ये चीज़ बोली है कि जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि टनहैग को एक uh, एक फेलियर की तरह मैं देख रहा हूँ यूनाइटेड में तो उन्होंने इस बात को नकारा है बिकॉज उनका यह कहना है कि बायन म्यूनिक का एक्सपीरियंस जो उनके पास है चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस जो उनके पास है आई एक्स को उन्होंने जो इतने सीजन लगातार पहुँचाया है क्योंकि दो हज़ार छः के बाद आई एक्स पहली बार क्वार्टर फाइनल्स के आगे गई थी और वो टेनहैक के अंडर ही हुआ है कारनामा राउंड मतलब ग्रुप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते थे वो सोचो राउंड ऑफ 16 से आगे निकल कर आए क्वार्टर फाइनल्स में आए तो ये टनहैग ने ही करके दिखाया है एंड टनहैग ने अपने टेन में चार साल के तीन टीमें डेवलप की हैं तो जितने भी लोगों के मन में सवाल निशान है कि टनहैग से होगा या नहीं होगा भाई जब तक करने का मौका नहीं दोगे करने का एक टाइम नहीं टाइम पीरियड नहीं दोगे तब तक कैसे होगा यही सेम चीज़ अगर बार्सिलोना ने सोच ली होती तो हो सकता है आज जावी अभी जॉब में नहीं होते ठीक है ना या फिर अगर यही सेम चीज़ टूकल के बारे में सोची होती कि प्रीमियर लीग में कभी मैनेज नहीं किया हमेशा दो कमजोर लीग में मैनेज किया है नॉट डिस और यू नो लीग बट लीग लीग और का वो वो कॉम्पिटिटिवनेस प्रीमियर को मैच नहीं करती तो टूकल ने करके क्या दिखाया वो सबके आंखों के सामने यही टूकल की साइड ने उस दिन रियाल मेडेड के होम पर जाकर जो कि पहली बार उनकी हिस्ट्री में वो खेल रहे थे बरनाभाव पे ना चने चपा दिए तो भाई मौका दो ना डेवलप करने का फ्रीडम दो और फ्रीडम दे रहे हो तो फिर संयम रखो क्योंकि वो वाली बात नहीं है कि भाई आज तुमने बीज बोया है तो कल तुम्हें उसका फल मिल जाएगा एक प्रोसेस है ये हो सकता है इसमें एक साल लग जाए हो सकता है छह महीने में ही रिजल्ट निकलने लगे हो सकता है दो साल लग जाए तो संयम बरतना पड़ेगा और देखो हर वीडियो में मैं एक ही चीज बोलता हूं कि फैन बेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थोड़ा सोशल मीडिया पर जाकर टॉक्सिक कम हो और जितने भी अभी देखो अभी तो ट्रांसफर विंडो ओपन भी नहीं हुई है तब इतने ज़्यादा रूमर्स आने शुरू हुए हैं अभी तो तमाशा शुरू हुआ है गाइस देखो आगे आगे क्या क्या होने वाला है तो बस एक ही मैसेज है भाई मेरा कि थोड़ा सा ना सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी चेक किया करो और वो क्या पोस्ट कर रहे हैं हर एक बात उनकी कही हुई भी सच नहीं होती ठीक है ना ये लोग बहुत ही क्या क्या कह सकता हूँ मैं एक बाबा क्या क्या वर्ड होगा वो कि सोची समझी मतलब एक न्यूज ब्रेक करते जिससे उन्हें ट्रैक्शन मिले है ना बेट, बेट वो लेजी जर्नलिज्म हाँ, के भाई कोई भी रैंडम नाम उठाया और पेल दिया अब यहां पर देखो बार हाँ बार्सिलोना अब यहां पे लास्ट न्यूज देना चाहूंगा नैटे विल बी लीविंग ओल्ड रेफर्ड फेब्रीजो ने कंफर्म कर दिया है माटा लीव लिंगार्ड विल बी लीविंग पॉकबा फॉर श्योर लीव ठीक है ना तो यही आखिर आप आखिरी नाम आपके क्योंकि इस लिस्ट में जुड़ गए हैं तो विल ऑलवेज रेड फ्लैग मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना बाय टेक केयर